अच्छा बाबूजी, विराह सम्राट व अभिनेता परम पूज्य हमारे गुरुजी ओम प्रकाश दीवाना जी के परम शिष्य हम गायक शिव चरण दीवाना आप लोग के बीच में दीवाना म्यूजिक चैनल से एगो विराह भेजत बानी। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास बा आप लोग प्रसन्न करब। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ हमला में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि है। हमें विश्वास है जैसे आप लोग हमारे गुरु जी के प्यार दुलार देहिला हमरों के मिली। चार लाइन उन जवानों के याद करते हैं जीतन भैया, जो जवान शीत धूप जाड़ सहते हैं तो हम और आप सुख चैन की नींद सोते हैं। उन जवान के लिए कवि सुरेंद्र सिंह यादव की लेखनी सवाल करती है, कैसे जीतन भैया, तो यारे तो झुकना मेरे इतिहास में है नहीं, तो हम कैसे झुके वतनियान पे, सर कटेगा मगर पग हटेगा नहीं, लाख आ जाए आफत भले जान पे, आग संग और सोला संग सोला बन बचाते रहेंगे इस भारत का पानी, झोंक देंगे जनल में सरे आम को, कहे सुरेंद्र है शेरों की ऐसी कहानी। बिरहा में एक लाइन कवि जी कवाली का टुकड़ा लिखा जीतन भैया कैसे, वह कवाली बा कौनो प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहले बा जीतन भैया कैसे, कि अगर दिल भर मंजूर हो जाए तो सनम तू बे वफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू बे वफा के नाम से
शहीदों के नाम पे कवि सुरेंद्र सिंह यादव की लेखनी एक सलाम करती है। हमारे गीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे बड़े भैया राज गुप्ता जी। कैसे भाव भैया? कि जौहरी जंग में हटते नहीं जब ठान लेते हैं तो अरीबी कहानी है जगह से चालू हो गई। चेतन भैया कैसे तो सागर से पाते हैं वीर गहराई का लेखा हिमगिर से पाते सर्वदा ऊंचाई का लेखा मता से पाए ममता और दुलार जौहरी बबुल से पाए सने और स्वीकार जौहरी जिला चंदौली थे कहा गांव की कहानी है रामचंद्र गुप्ता की छोटी सी पलानी है पत्नी कृष्णा बाकी स्थिति बागवानी को बाबू तनिका रुआ सब कहानी समझ ली। ग्राम थे कहा पोस्ट करनवल थाना साहबगंज ब्लॉक साहबगंज तहसील चकिया जनपद चंदौली के रहे वाला बाबू रामश्रय गुप्ता धर्म पत्नी का नाम कृष्णावती देवी भगवान संतान के रूप में तीन बेटा और एक बिटिया दिले हुन। बड़का बेटे का नाम धर्मदेव कुमार गुप्ता और उनसे छोटा भैया का नाम आनंद कुमार गुप्ता और उनसे छोटा धनंजय कुमार गुप्ता। एक बिटिया है जो ने बिटिया का नाम लक्ष्मीनाबा। अपने गरीबी अवस्था में बाबू रामश्रय गुप्ता जी अपने बचपन के पढ़ावत लिखावत हुआ। बड़का बेटा रामश्रय गुप्ता से पूछत हुआ बेटा तुहार बहुत ललक बा बहुत रियाज में बड़ो तहार का इच्छा बा तुहार का विचार बा। बाबू इतनी बतिया पूछलन धर्मदेव गुप्ता हंसे लगल कलम बाबू जानल चाहत हुआ मैयो पूछत हूँ का दिल में चाह बेटा तो धर्मदेव गुप्ता जी एगो बात कहलन का कहलन विराह में तरज लग गई महेश भैया तोहरे लायक बा। कौनो मेहरारू का उलाहना अपने मर्द से है कैसे है भैया? अरे गैला पारा ते सवा गैला पारा ते सवा बेली के कहले सवा बाग छे बाग छे जवानी में बनाई गई लुआरी बुआरी हम
कृष्णावती देवी बाबू राम सरे गुप्ता जी पूछत हुआ बेटा तोर का इच्छा है तो धर्मदेव गुप्ता जी बताओ का बताओ जीतन भैया रुकी ना कदा मावा चाहे चली जब इतनी बतिया धर्मदेव गुप्ता जी कहला बाबू राम असरे गुप्ता हंसे लगल खला रे बेटा ए गरीबी अवस्था में तोके फौज कैसे बनाई भोलाल तो एगो बात धर्मदेव गुप्ता जी एगो और कहतो बाबू और माई से का कहे मुरी नहीं कटी को बहू रानी मैदान में लहरी तिरंगा हरदम से खियरी शान में बाबू एगो बात सुन ला हमरे संगे संगे तोहरो तरक्की हुई हमरे संगे तोहरो तरक्की हुई धर्मदेव कहा कैसे रोशन नहीं ना मावा रोशन रही ना मावा सुबह और समावा यार रहब हम बन के एकम बम भारती होके बनबे बाबू हो इतनी बतिया कहलन बाबू राम असरे गुप्ता माई कृष्णावती देवी खुश हैं 2004 में भर्ती देखे गईलन जब भर्ती देखे गईलन भर्ती में पास ना होइलन घर आ गईलन घर एलन बाबू राम असरे गुप्ता जी समझावत हूँ बेटा हमनी के किस्मत छोट बा बाबू तू कौनो रोजगार कर धीरे धीरे अपना घर का समस्या देखते हुए धर्मदेव कुमार गुप्ता जी बंबई चल गेलन बंबई गेलन वहां 5 साल टेम्पू चलौलन चलौले के बाद जब घर अलन तब बाबू बेटवा का शादी कह दिलन जब शादी हो गई धर्म पत्नी मीना देवी दुल्हन बन के घर में आई है अपने पति देव धर्मदेव गुप्ता जी के साहस देते हैं साहस दे धीरे धीरे एक बिटिया जन्म ले ले बा जो ने बिटिया का नाम ज्योति कुमारी बतावल गई जब बिटिया ज्योति कुमारी घर पर जन्म ले ले हैं ओ जवान को भगिए जाग गेल जीतन भैया तरज लग गई तुहरे लाख जीतन भैया उहे तरजिया बा कोरी कह तारिया सासु दहिया रे जमावली अमीरी तनावली जोरा नवारा दाहू कांधा मन मोहे
कवि जी बिरहा में भाव लिखत हुन। धर्म पत्नी मीना देवी एगो बात कहली, का कहती भैया? तोरी हन कप माई बाबू का सपनवा, अरसे रसे बोलेली ए भैया, रसे रसे बोलेली, गुजरिया मीना हो सुना सजना हमार, रसे रसे मीना देवी। धर्मदेव गुप्ता जी के कहत हैं का, तो हके गरीबी में पढ़ावला लिखावला के पढ़ावल लिखावल माई बाबू कैसे, तो हके गरीबी में अरे पढ़ावला लिखावला, अजिए के सहारा परवत्ता नवा सिखावला। जइया लेकिन एगो काम करिया, यहाँ हमारे गुरु जी का वर्जनालिटी लगा था, कैसे भैया? अरे कारी हाल तू हाँगा दरिया सजना हो सुना सजना हमारा, कारी हाल बात अच्छे जीवन मालिक, बड़ा भाई धर्मदेव गुप्ता और छोटा भाई धनंजय गुप्ता जी सीआरपीएफ के जवान हो गए। जब माई इंडियन फौजी का जब वर्दी देखा थे खुश है, वाह बेटा लाल कब्बो देश के साथ गद्दारी मत करी है बेटा, माई से विदाई लेवे चलन हो फौजी साहब, फौजी बन गए लन बाबू से विदाई ना, जब विदाई लेवे चलल हो जीतन भैया तो माई एगो बात कहते हैं, कैसे कहती तरज बदल गुरु, आजादी के समय मिश्रा जी उन्हीं गीत के गौना कैसे गौना जीतन भैया, अरे मैया हो लला नवा देदा, बाहरे माई माई कहती का, अरे देश के करनवा बेटा, मैं समझाऊ के बेटा एगो बात सुन ले बाबू, का कहे जीतन भैया, अरे दागी लागी जाई ताना मारी तू सुमाना हो, अबीर था न जाए पवला मानुसा कताना हो,
गौर करेंगे बाबूजी। माई साहस दे थी बाबू भैया सब लोग विदाई के दलन फौजी साहब चले गए। जब गैलन जाय से पहिलमा अपनी धर्मपत्नी मीना देवी से हाल चाल करत हुआ बहुत सुख चैन से जिंदगी बीतत बा। लेकिन भैया हो वह दिन आ गए जमन दिन भारतवासियों के लिए काला दिन के रूप में याद कल जाए। तरह दिला गया जीतन भैया कि गज भर के गुजारिया गज पक्का नहीं हो गज से भी जोड़ कभी जी बिरहवा में भाव लिख देना जोखन भैया कैसे कि जंगी शेरवा तो जंगी शेरवन से का बहू सियार ना लड़ी संग तसबी के पलटन बिरन का बड़िया चली हो जंगी से रवन से का बहू सियार चल दिए हैं फौजी धर्मदेव गुप्ता जी तो पूरा नक्सलाइट घेरल जुलूम मचवले अलरत में जवान पग पीछे ना हटवले तो धोखा कैले शैतान पीपता बड़ी घरी हो जंगी शेरवन के सोझा ना सियार ना लड़ी। गौर करेंगे बाबूजी नक्सलाई एरिया में जब मेरे देश के जवान चले हैं तो जाने से पहले ठीक 3 तारीख को रात्रि 9:30 बजे अपनी धर्मपत्नी मीना देवी से वार्तालाप कर रहे थे। कह रहे थे समझाया अपनी धर्मपत्नी को अपना अंतिम मानसून यही बताया था कि मम्मी और पापा का सेवा करना तुम्हारा दायित्व तो बनता है। भैया हो करने के बाद फौजी चला जाता है बॉर्डर के ओर। जब 3 तरीकावा के चलना तो भैल का बिरहा में तर्ज लगे जीतन भैया कि चले लागल गोली बीचे अरे खारी माया तनवा तब बदनवा लहकलना तनी रखे दिन कर आशा मनवा तब बदनवा लहकलना जीतन भैया कि सारे का चुनौती नहीं अरे टूटा है गुमनवा तब बदनवा लहकलना तगरजे फौजी नौजवानवा तब बदनवा लहकलना बाबूजी लड़ता रहा मेरे देश के जवान अचानक एक गोली आकर के और फौजी धर्मदेव गुप्ता के सीने में लग जाती है। भारत मां का जय कहकर मेरा देश का जवान वहीं पर गिर जाता है
जितने बैटालियन के जवान थे उनको बचाने के लिए जो ही उनके पास जाते हैं तब तक से नक्सलाइट अपना गोली दाग रहे थे। उन्होंने छोड़ करके और जवान अपनी ओर से बम गोली चलाने लगे। तो बिरहा शैली से भाव लगल जीतन भैया ए भैया पत्थर सा सीना मोम हो गया, ए बाबू पत्थर सा सीना मोम हो गया, धरती बिलख पड़ी गमगीन हो गया। परेलवा के रतिया में जब सरहदे हिंद के जवान धर्मदेव कुमार गुप्ता जी शहीद हो गए, 4 तारीख के जितने जवान थे फोन लगा रहे थे, फोन नहीं लग रहा था। जो जवान देखे थे अपने जवानों को ले जाकर गए और बताए। धीरे धीरे 5 तारीखवा के खबरिया जब ठेकहा गुआ में पहुंचल हो बाबू, उन जवान की लाश तिरंगे झंडे में लपेट करके शहीदी सम्मान के साथ जब इंडियन आर्मी के जवान लेकर के आते हैं बाबतपुर हवाई अड्डा पे, फौजी की डेड बॉडी जब आती है तो वहां से इंडियन कैंप में रखा गया। रात में इंडियन कैंप में रखने के बाद सुबह 6 तारीख को सुबह 4 बजे वहां से इंडियन आर्मी की गाड़ी साथे साथ नेता का हुजूम चला है। तो बबरी आप लोग देखे होंगे, जो भाई गए होंगे आपके करीब है बबरी लेवा में आके वो गाड़ी रुक गई। इधर गांव से हर एक गांव से लोग जा रहे थे उन जवान की पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए। चंदौली जिला के हर कोने कोने से लोग जा रहे थे उन जवान के सम्मान में। वह गांव से लोग बड़गावा तक करनवल तक आता आए तो साहबगंज चकिया केराडी ढुन्नू रसिया पंचवनिया चकिया रामपुर भभौरा से लोग जा रहे थे उन जवान की पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए। शहीदी सम्मान के साथ हुजूम बताया गया, लगभग 10,000 से ऊपर उन जवानों के सम्मान में लोग गए थे। जब जवान का डेड बॉडी ठेकहा गुआ में आइल बाहो बाबू, पूरा परिवार गम के शोक में डूब गई। हर एक गांव के बच्चा बच्चा से आया बा। जब जवान की ताबूत से तिरंगे झंडे से लपेटी हुई लाश को दिखाया गया धर्मपत्नी मीना देवी को, तब बड़की बिटिया ज्योति और छोटकी बिटिया साक्षी पेटवा में साहब का गर्भ पलता, 8 महीना का धर्मपत्नी मीना देवी रोवत ही बिरहा का आखिरी तरज लगल जीतन भैया। मीना देवी रोव कैसे टूट गई आस फीका झारे झारे बरसे नया नवा ए साहब तहिए से हो। जवान की धर्मपत्नी रो रही है, माई माई बाबू और भाई बहन लक्ष्मीनाथ पूरा परिवार रोवता, पूरा गांव रोवता। कैसे कहे आपन आपन व्यथा बतावत है मीना देवी अपने फौजी सजना से। जीतन भैया भाव बाबू चढ़ल जवनिया में चढ़ली
जवानिया में अगिया लगावाला साहब लेकिन के नहीं देख पौला रोवती कैसे गोदी के कैसन सुमन देखे नहीं पौला बाबूजी, जब पूरा परिवार गमगीन में डूब गई, सब लोग रोवता, क्षेत्र जवार के लोग रोवत हुन, लेकिन कहल जाला कि सांत्वना कुछ ही देर खातिर की होला। लोग समझावत हुन तहर सैया सीमा पर शहीद भइल बाड़न, भैया हो माई फौजी साहब का लसिया पर रोवे कैसे भैया, बिरहा से अल्लाह में भाव लगल गुरु। अरे डुबली धरतिया बाबू, अरे शोक में सगरवा भैया, एक एक नागरिक के आंख से खाली आंसू आवत भैया कैसे। अरे माचल को हरावा छ छ छ, अरे गांव घर नगरिया भैया, रहला धर्म देव बाबू क्षेत्रवा के यहाँ पर कभी सुरेंद्र सिंह यादव की कलम में एकाएक रुक जाती है। गौर से इस लाइन को गौर कीजिएगा भैया कैसे। अरे दुखित भैया सूरज ढहके चांद रोशनिया भैया, चांद तारे तड़पे लागल अंबर सुना धरती से अंबर तक लोग रो रहे थे उस जवान के शहीदी सम्मान में, अर्थी उठल तो भैल का जीतन भैया। अरे अर्थी उठल बजब की फौजी सुगनावा का बाबू, अब पुलिस प्रशासन जुटल दे भैया हो साहब के मुआवजा के रूप में क्या मिलन। अरे 50 लाख रुपया एगो नौकरी का ऐलान भइल, कैले सोशल मुख्यमंत्री आदित्य सरकार। थोड़ा सा भाव आप लोग समझिएगा, उन जवान के पार्थिव शरीर को लोग वहां पर डेड बॉडी को लोग करके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी का वेट कर रहे थे, लोग इंतजार कर रहे थे कि जोगी जी आएंगे, लेकिन जोगी जी नहीं आए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लोग इंतजार कर रहे थे, जो कि फौजी साहब के घर के बगल से हैं, रामपुर भगौरा आप लोग देखे होंगे, वहीं के रहने वाले। रक्षा मंत्री बाबू राजनाथ सिंह भी नहीं आए, फोन से संतावना दिए। धरातल के लोग जो हैं वो भी रो रहे हैं, जो नहीं आए वो भी रो रहे हैं। हमारे गुरु कवि सुरेंद्र सिंह यादव को एक लाइन लिखने पर मजबूर हो गए। वह लाइन कैसी है जीतन भैया? अरे रोवे भारत माई रोवे, अरे सुंदर वतनवा भैया, बकरो बाबा साहब रोवत बाटे संविधान। अरे बाबा बाबा जियो से गौर करेंगे उस बाबा साहब परम पूजनीय विश्व रत्न जिनकी जयंती इसी 14 अप्रैल को आ रही है, उनकी जयंती में उनका साहब का आत्मा रो दिया। जब जवान की पार्थिव शरीर को लेकर के बनारस मणिकर्ण का घाट पर लोग चले हैं बाबू, जब मुख्य अग्नि देवे चलन, जितना जवान थे सब लोग सलामी लगाए और बाबू मुख्य अग्नि देहलन, भैल का जितन भैया खड़ी में भाव भैया। आरा जरत घरवा के दिया ना बुझावा बचावा तसी चल बागिया में आ गया लगावला बचावा। बाबू उस बनारस के मणिकर्ण का घाट पर रो रहे हैं। बेटा एगो बात सुने रे लाल, बाप का करेजा फाटे कैसे भैया? माना नहीं कैनी लाल, देखी तोहर ललसा अछर में बिगड़ गई, यही बाचापन का जलसा। अरे जीवन भर माई बाबू के डहकवला बचावा। बाबू रामाश्रय गुप्ता जी रो रहे हैं, लाल अंतिम इच्छा है का जीतन भैया? लागल नगरिया एकदम जैसे सुनसान हो, अब तुम्हारी सूरत देख के झनके आसमान हो। सारे भारतवासी के लोग गम में डूब गए और शहीदी सम्मान के साथ जवान को शहीदी सम्मान के साथ उनका अंतिम क्रिया किया गया। उस परिवार के दुखद घटना में हम भी गए थे वहां पर परिवार के परिजनों से मिलने के लिए। इस गीत को गवाने में अहम योगदान सम्माननीय हमारे बड़े भैया पंचशील वर्ल्ड म्यूजिक के मलिकार महोदय कवि पिंटू मौर्या जी और जिला के चेयरमैन विशंभर नाथ यादव उर्फ वकील यादव चेयरमैन साहब, शिव बचन मुखिया जी और हमारे दीपक यादव जी राम अवतार प्रमुख जी, महेंद्र भैया हमारे दिलीप प्रखंड अध्यक्ष जी और गुरु जी की हमारी टीम और एक एक अपना कीमती समय देकर के हमारे विरहा को रिकॉर्ड किए हमारे बड़े भैया राज गुप्ता जी। अपनी गीत के आखिरी भाव में कहना है देश के नाम संदेश। गुरु बिहारी पत्तू छह पर बुल्लू जी हुए गमगीन, काशी बुल्लू सुखनंदन परसिद्धन जी भय मलिन,
अरे पत्थर सा सीना मोम हो गया, तो सुरेंद्र शिव चलन का सिहर